स्टूडेंट वेरी गुड मॉर्निंग। देखते हैं एक्सरसाइज 6.2, जिसमें हमें ग्राफिकल सॉल्यूशन फाइंड करना है लीनियर इक्वलिटी में इन टू वेरिएबल। 6.1 हमने सॉल्व की, जिसमें हमें सॉल्यूशन फाइंड करना था वन वेरिएबल की इनइक्वलिटी का। इसमें इनइक्वलिटी होगी जिसमें वेरिएबल टू होंगे एक्स एंड वाई, जिसको हमें प्लॉट करना होगा कार्टेजियन प्लेन में। तो देखते हैं आपकी एक्सरसाइज 6.2 जो कुछ इस तरह से है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्स प्लस वाई इज लेस देन 5, एक्स प्लस वाई इज लेस देन 5। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स प्लस वाई इज लेस देन 5 है, इनइक्वलिटी का सिंबल है, तो इसे हम इक्वलिटी के सिंबल में चेंज करते हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो पॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम पुट एक्स इक्वल टू 0, तो वाई इक्वल टू आता है आपका 5, तो पॉइंट हो जाएंगे 0.5। अगेन पुट करेंगे वाई इक्वल टू 0, तो पॉइंट आपके हो जाएंगे एक्स इक्वल टू हो जाएगा ये 5, तो पॉइंट हो गया 5.0। तो ये आपको दो पॉइंट मिले, इसका बॉक्स बना लेते हैं एक्स और वाई के लिए। ये एक्स है और ये वाई है, तो एक्स इक्वल टू है पहले 0, तो वाई इक्वल टू है 5, और वाई इक्वल टू है 0, तो एक्स इक्वल टू है 5। इसको हमें प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन में, तो हम सबसे पहले ये प्लेन हमने फॉर्म किया है, यहाँ पर ये वाई एक्सिस होती है और ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पर एक्स प्लस में होगा, यहाँ एक्स माइनस में होगा, यहाँ वाई प्लस में होगा और ये वाई माइनस में होगा। अब हमें देख प्लॉट करना है यहाँ पर 0.5। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट ले लेते, प्लस में है तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये हमने पॉइंट ले लिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। और यहाँ पर हम सिक्स। अब हमें 0 और 5 पॉइंट देखना है, तो 0 आपका ये ओरिजिन होगा और 5 बाई पर लेना है, तो 0.5 ये पॉइंट हो गया आपका 0.5। नेक्स्ट पॉइंट आपको लेना है 5.0, तो ये आ गया आपका 5.0। अब इससे जो लाइन फॉर्म हो गई वो आपको लाइन ड्रॉ करनी है, तो लाइन कुछ इस तरह से होगी आपकी, और इस लाइन का हम नाम दे देते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। ये लाइन है आपकी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5। ये तो हमारी थी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, लेकिन हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है एक्स प्लस वाई इज लेस देन 5 के लिए। तो यहाँ अब हम करते हैं एक्स और वाई की जगह 0 पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 0 इज लेस देन 5,
यानी कि 0 इज लेस देन 5, तो 0 5 से लेस होता है तो ये ट्रू है, तो यहाँ हम लिखेंगे ट्रू। जब ये एजम्पशन हमारा ट्रू होता है कि हमने एक्स इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 0 पुट किया, तो जो हम सेट करेंगे रीजन सॉल्यूशन के लिए वो रीजन हमारा होगा ओरिजिन साइड में। तो ये जो लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, इसमें दो रीजन होंगे। एक तो रीजन होगा इस लाइन के इस साइड में और एक होगा इस साइड में जिसमें है आपका ओरिजिन। तो जब ट्रू होगा तो ट्रू वाले केस में आपको ये रीजन सेट करना है और यही रीजन आपका शो करेगा सॉल्यूशन गिवन इनइक्वालिटी का। तो यहाँ लिखोगे सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी इज शोन बाय शेडेड रीजन। जो सॉल्यूशन है इनइक्वालिटी का उस शेडेड रीजन से शोन है, तो ये रीजन आपका शोन करेगा सॉल्यूशन इनइक्वालिटी एक्स प्लस वाई लेस देन 5 के लिए। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है इसका 2x प्लस वाई इज ग्रेटर एंड इक्वल टू 6। 2x प्लस वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू 6। तो 2x प्लस वाई इज ग्रेट, सबसे पहले हम इनइक्वालिटी का सिंबल हटाते हैं। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू हमने लिया 6, इसके बाद हम पुट करते हैं x इक्वल टू 0। पुट x इक्वल टू 0, तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 6, यानी कि वाई इक्वल टू आ गया 6। तो पॉइंट आपके आ गए 0, 6। जब हम वाई इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू हो जाएगा 3। तो पॉइंट आपके हो जाएंगे पुट y इक्वल टू 0, तो पॉइंट हो जाएंगे 3, 0। इन पॉइंटों को आपको प्लॉट करना है, तो बॉक्स बना लेते हैं पहले, ये x और ये y। x है 0 तो y है 6, x है 3 तो y है 0। अब इसको हमें प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन पर, तो इसके लिए हमने ये दो एक्सिस ले लें, ये वाई एक्सिस है और ये आपकी है एक्स एक्सिस, ये एक्स माइनस है, ये वाई प्लस है, ये एक्स प्लस है और ये है आपका एक्स माइनस। तो आपको लेना है 6, 0 से 6 तक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव एक्सिस पर ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब सबसे पहले हमें पॉइंट लेना है 0, 6, तो 0, 6 आपका हो जाएगा ये पॉइंट 0, 6। इसके बाद हमें लेना है 3, 0, तो 3, 0 पॉइंट हो जाएगा ये 3, 0। इन पॉइंटों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो लाइन हमारी आएगी कुछ इस तरह से, ये लाइन आपकी हो गई 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। इसको नेम दे देते हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। अब हम सॉल्यूशन के लिए रीजन देखेंगे, तो हम पुट करते हैं
x equal to 0 and y equal to 0. So 2x plus y equal is greater or equal to था 6. तो यहाँ पर हमने जब 0 पुट किया तो 0 plus 0 is greater or equal to 6, यानी कि 0 greater, तो 0 न तो equal होगा 6 के न greater होगा 6 के, तो ये स्टेटमेंट हमारा फाल्स है. तो जब स्टेटमेंट फाल्स होता है तो सॉल्यूशन का जो रीजन होता है वो हम सेंड करते हैं, वो लाइन के नेक्स्ट साइड में होता है, यानी कि ओरिजिन साइड में नहीं होगा. तो इसे हम सेट करेंगे, इस रीजन को, ये जो सेकंड रीजन होगा वो आपका सॉल्यूशन शो करेगा. तो हेंस सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी is shown by shaded region. जो solution है वो shaded region के द्वारा shown है. ये region, इस region में आपका solution lie करेगा. ये तब है जब ये condition आती है, जो हमने x equal to 0 y equal to 0 put किया, अगर ये false होता है तो हम इस साइड में लेते हैं रीजन, और अगर ये ट्रू है तो ओरिजिन साइड में, जिधर ओरिजिन होता है वो रीजन आएगा, तो ये वाला रीजन इसमें आ जाएगा. थैंक यू. नोटेड. देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. 3x plus 4y is less than 3x plus 4y less or equal to 12. तो सबसे पहले inequality का सिंबल हटाएंगे, तो 3x plus 4y is less or equal to से inequality हटाएंगे तो equal to 12. अब पुट करते हैं x equal to 0 when x equal to 0, तो 3 into 0 plus 4y equal to 12, तो 4y equal to आ जाएगा 12, y equal to आ जाएगा 3. तो आपके पॉइंट आ जाएंगे 0, 3. और नेक्स्ट हम पुट करेंगे when y equal to 0, तो 3x plus 4 into 0 equal to 12, 3x equal to आएगा 12, x equal to हो गया 4. तो पॉइंट आपके हो जाएंगे 4, 0. इसके लिए जब हम बॉक्स बनाएंगे तो बॉक्स हमारा कुछ इस तरह से होगा, x y, तो x है 0, y है 3, जब x है 4 y है 0. अब इसको हमें प्लॉट करना है कार्टेशियन प्लेन में, तो हम सबसे पहले ये दो एक्सिस ले लेते हैं, x और y. ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस. ये x माइनस और ये y प्लस और ये y माइनस और ये x प्लस. हमें पॉइंट लेने हैं 0 से 4 तक, पॉजिटिव है तो यहाँ ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. तो 0, 3 हमें प्लॉट करना है, तो 0 यहाँ होगा, 3 यहाँ होगा, तो ये पॉइंट आ गया आपका 0, 3. नेक्स्ट है 4, 0, तो 4, 0 ये पॉइंट हुआ. इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो लाइन हमारी आएगी कुछ ऐसे, ये लाइन होगी 3x plus 4y equal to 12.
3x plus 4y equal to 12। हम सॉल्यूशन के लिए पुट करते हैं एक्स और वाई जीरो, तो यहाँ लिखा हमने 3x plus 4y equal to 12, is less or equal to 12, तो ये जीरो प्लस जीरो हो जाएगा, लेस और इक्वल टू 12, जीरो लेस और इक्वल टू 12, तो ये आपका ट्रू है कि जीरो लेस होगा 12 से, लेकिन यह इक्वल टू होगा तो लेस होगा, तो ये ट्रू होगा। तो ट्रू में रीजन जो हमारा आएगा वो ओरिजिन साइड का आएगा, यानी फर्स्ट इसमें जो रीजन है इस लाइन के वो एक टू हाफ होते हैं, एक तो ये हो गया सेकंड हाफ लाइन और ये होता है फर्स्ट हाफ लाइन, तो ये ट्रू है इसलिए रीजन होगा फर्स्ट हाफ लाइन वाला, तो ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन रीजन। तो हेंस सेकंड हाफ लाइन फर्स्ट हाफ प्लेन इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर गिवन इनइक्वालिटी। जो इनइक्वालिटी दी गई है उसके लिए फर्स्ट हाफ जो रीजन होगा वो इसका सॉल्यूशन रीजन होगा। नोटेड देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन जो है, y प्लस 8 इज ग्रेटर और इक्वल टू 2x। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी का सिंबल हटाएंगे, तो y प्लस 8 इक्वल टू 2x। अब पुट करते हैं y इक्वल टू 0 व्हेन y इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 8 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4। तो आपके पॉइंट आ गए 4, 0। व्हेन x इक्वल टू 0, x 0 रखेंगे तो y प्लस 8 इक्वल टू 2 इंटू 0, तो y इक्वल टू आ गया माइनस 8। तो पॉइंट आपके हो जाएंगे 0, -8। अब आपको पॉइंट जो लेने होंगे वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी, तो हम स्केल कुछ इस तरह से लेंगे, ये रहेगी आपकी वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, इधर आपका एक्स पॉजिटिव आएगा, इधर रहेगा एक्स नेगेटिव, ये है वाई पॉजिटिव और ये है वाई नेगेटिव। तो हमें माइनस 8 तक लेना है वाई में, तो हम इसको लोअर साइड में लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। तो हमने ये ले लिया -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9। इसके बाद हमें लेना है y पर, x पर, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और हम प्लॉट करने हैं पॉइंट, तो पहले इनके लिए बॉक्स बना लेते हैं। ये बॉक्स है आपका x और y पॉइंट के लिए, तो 4, 0 और 0, -8। पहले हमें 4, 0 को प्लॉट करना है, तो 4, 0 पॉइंट हो गया इस तरह से 4, 0। नेक्स्ट है 0, -8, तो 0, -8 पॉइंट होगा ये 0, -8। इन पॉइंटों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमें लाइन कुछ इस तरह से मिलेगी,
ये लाइन कुछ स्ट्रेट नहीं हो पाई, इसे इस तरह से लेना है। ये हो गई आपकी लाइन बाई प्लस एट इक्वल टू टू एक्स, ये लाइन है बाई प्लस एट इक्वल टू टू एक्स। अब आपको इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड करना है, तो उसके लिए पुट करते हैं एक्स और वाई इक्वल टू जीरो, तो ये है बाई प्लस एट इक्वल ग्रेटर और इक्वल टू टू एक्स, तो जीरो प्लस एट ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, तो यहाँ आ गया एट इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू होगा, एट ग्रेटर होगा जीरो से, तो आपका जो सॉल्यूशन रीजन होगा वो ओरिजिन साइड में होगा। तो ये फर्स्ट हाफ हुआ और ये सेकंड हाफ हुआ, तो ये वाला रीजन जो होगा आपका ओरिजिन साइड का, ये आपका होगा सॉल्यूशन रीजन। तो मैं यहाँ लिखेंगे हैंस फर्स्ट हाफ प्लेन सो द सॉल्यूशन रीजन फॉर गिवन इनइक्वालिटी, ये आपका सॉल्यूशन रीजन हो गया गिवन इनइक्वालिटी के लिए। थैंक यू, नोटेड।